खबर बंगाल पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हमें भाग्यश्री। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और महान क्रिकेटर पंकज राय पर लिखी पुस्तक का विमोचन, टीम इंडिया के धुरंधरों ने उन्हें याद कर जताया सम्मान। महान क्रिकेट खिलाड़ी पंकज राय को आज टीम इंडिया के धुरंधरों ने याद किया। अवसर था खेल पत्रकार गौतम भट्टाचार्य द्वारा लिखी किताब के विमोचन का। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पंकज राय को अपनी तरह से याद करके उनके प्रति सम्मान जताया। अपने जमाने के महान क्रिकेट खिलाड़ी पंकज राय पर लिखी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जब टीम इंडिया पहुंची तो सभी खिलाड़ी भावुक हो गए। पुस्तक का विमोचन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने किया। मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, टीम के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सीएबी के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मदन मित्रा सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर सचिन ने कहा कि पंकज रॉय एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें देखते देखते मैच खत्म हो जाए पर आंखें नहीं थकती थी। सौरभ ने कहा कि आज युवाओं के लिए धोनी, सचिन और द्रविड़ के बारे में जानना आसान है, पर पंकज दा उस जमाने के लेजेंड थे जब उनके बारे में जानना बेहद आसान था। धोनी ने भी पंकज दा की तारीफ की और कहा कि वे उन्हें खेलते देखना चाहते थे। Every son's dream is to give something special to his dad, and I think this book is very special, and it will be a good insight for all of us, you know, because Pankaj Roy lived in an era where everything was not covered by the media and everything was not available in Google or some of the other platforms. So I think it will be a nice insight to see the struggles that he went through, the kind of cricket he played, the thinking that he had. And of course, not to forget, I believe, you know, with all of that around, there must be quite a few good stories, because even if you play in a different era, but fun is something that you can't really keep away from cricket. So. पुस्तक को खेल पत्रकार गौतम भट्टाचार्य ने लिखा है जबकि इसका संपादन पंकज रॉय के पुत्र प्रणव रॉय ने किया है। मौके पर प्रभा खेतान फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन संदीप भटोड़िया ने सचिन को मदर टेरेसा की एक पेंटिंग भेंट की।